गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम आपकी सोशल साइंस के सिविक्स पार्ट के चैप्टर टू पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। अब डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? भिन्नताएं। जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है ना कि अलग अलग समाज के लोग होते हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, फिर भी हम सब एक हैं, पढ़ा है ना आपने। एंड डिस्क्रिमिनेशन, पर पता है कभी कभार क्या होता है कि जैसे हर समाज के लोग जैसे अलग अलग है, सब भिन्न है ना, तो उसके कारण क्या डिस्क्रिमिनेशन भी होने लग जाता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव भी होने लग जाता है डाइवर्सिटी के कारण। तो आज हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं पिक्चर में कि सब कोई भी किसी भी समाज का ऊपर सब क्या बोलते हैं कि हम सब एक हैं। तो डिफरेंस एंड प्रिजोडाइज, प्रिजोडाइज मतलब होता है कि हमने मतलब किसी को सिर्फ देखा और अपने दिमाग में उसकी इमेज बना ली कि वो तो ऐसा है, वो तो बहुत बुरा है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत चिड़चिड़ा है ना, उसका मतलब प्रिजोडाइज होता है। तो जैसे बहुत सारी मैनी थिंग्स हैं, जैसे हमने वॉट वी आर, हाउ वी लीव, दैट लैंग्वेज वी स्पीक, वॉट वी ईट, द गेम्स वी प्ले, जैसे है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम सेलिब्रेट करते हैं साथ में, है ना, ठीक है। All of these are influenced by the geography and history of the place where we live. ये सब सारी चीज़ें कैसे influenced करती है? History से, मतलब हमारे past से, और हमारी geography से, कि मतलब हमारी geography, हम कैसे आसपास रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, कैसे surroundings में रहते हैं, ठीक है। तो you will get an idea of how diverse India if you look even briefly at the following statement. There are 8 major religions in the world. 8 major religions, 8 बड़े बड़े religions हैं हमारे world में। एवरी सिंगल वन ऑफ देम प्रैक्टिस इन इंडिया, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया, हमारे इंडिया में, ठीक है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल मदर टंग्स, 1600 लैंग्वेजेस हैं, है ना, जो मदर, जो हमारी मदर टंग है, मतलब हमारी लैंग्वेज है, हमारी बोली है, जो मतलब हम बाय बर्थ सीखते हैं, उसको मदर टंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, ये हम मानते हैं कि पता है हमें डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। तो हर अपने को ऐसा होता है ना कि हम किसी भी, जैसे अगर हमारा कोई सेलिब्रेशन हो, अगर उसमें कोई मुस्लिम है, वो क्रिश्चन है, तो हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करने लग जाते हैं। क्यों फील करने लग जाते हैं? थोड़ा सेफ और सिक्योर फील नहीं करते हैं कि जैसे उनका ड्रेसअप के ज़रिए, उनके टॉक के ज़रिए वो कैसे बात करते हैं, वो क्या चीज़ें लाइक करते हैं। तो ये सब चीज़ें किस वजह से होती है? डाइवर्सिटी की वजह से, क्योंकि वो हमसे भिन्न होते हैं, सिर्फ इसीलिए होता है ना। समटाइम्स वैन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट, कभी कभार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंज होते हैं, मतलब हम जिनको जानते ही नहीं, अनफेमिलियर होते हैं, है ना। तो उनसे हम मिलते हैं तो हमारा रिएक्शन कुछ और होता है, हमारा एटीट्यूड ओपिनियन कुछ और होता है, और उनके एटीट्यूड और ओपिनियन जो होते हैं वो हमें समझ नहीं आते, हमें अच्छे नहीं लगते। तो ठीक है, ये प्रिजोडाइज अपन देखते हैं। तो रूरल पीपल के अंदर क्या क्या होता है वो अपन देखते हैं कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लाइव इन विलेजेस, 50% से ज़्यादा लोग जो इंडियंस हैं वो विलेजेस में रहते हैं, ठीक है। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो विलेजेस के पीपल होते हैं उन्हें क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद नहीं होती है, वो लाइक नहीं करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12-14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स, जब हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन के सीजन्स आते हैं तो 12-14 घंटे वो लोग वहाँ पर वर्क करते हैं खेतों में। विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, विलेज मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो विलेजेस के जो लोग होते हैं उन्हें क्या होना, माइग्रेट सिटीज़ में आना पड़ता है वर्क ढूंढने के लिए, है ना, काम ढूंढने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है ना जो विलेजेस के पीपल होते हैं उनको, जैसे किसी को जॉब करनी है, कुछ करना है, तो उसे सिटीज़ में जाना पड़ता है। ऑन अर्बन पीपल लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, जो लाइफ सिटी की लाइफ है वो ईजी तो है, पर यहाँ पर पीपल क्या होते हैं, स्पॉइल्ड और लेजी होते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर, यहाँ जो सिटीज़ के लोग होते हैं ये बहुत कम वक्त बिताते हैं अपनी फैमिली के साथ, इतना ज़्यादा बिजी होते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल, जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो सिर्फ मनी की केयर करते हैं, सिर्फ पैसों की केयर करते हैं, उनको पीपल्स के तो मतलब उन्हें अपने घर के लोगों से ज़्यादा, मतलब किसी भी पीपल से मतलब नहीं होता है, अपन ये बोल सकते हैं, उनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से ज़्यादा मतलब होता है, जो बड़े बड़े शहरों के लोग होते हैं ना वो। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, सिटी में रहना बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है, ठीक है।
लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग, मतलब पीपल बहुत कमाते हैं पर उनका आधा पैसा तो इसमें स्पेंड हो जाता है रेंट और ट्रांसपोर्ट्स में। तो ये सब हमने क्या करा, हमारे मन से ये सब प्रिजर्डाइज करा ना, हमारे मन से उनके बारे में। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर अर्बन पीपल जो है वो ऐसा हो या हर रूरल पीपल हो ऐसा, पर हमने हमारे मन से प्रिजर्डाइज करा कि हाँ भैया कैसे लोग रूरल पीपल होते हैं कैसे अर्बन होते हैं, इसी को प्रिजर्डाइज भी बोला जाता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो प्रिजोडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। मतलब मैंने आपको यही बताया कि प्रिजोडाइज मतलब क्या होता है कि हम किसी भी पीपल को जज कर लेते हैं नेगेटिवली कि वो ऐसा होगा या वो वैसा होगा। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट टू डू थिंक इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही ही हो, पता नहीं ऐसा हो भी कि नहीं हो, पर हमने उसको प्रिजोडाइज करा, माना कि ऐसा होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आपने क्या सोचा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सबसे अच्छी लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने अपने मन से प्रिजर्डाइज किया ना। वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। आपने क्या जज करा कि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो उससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि लोगों को क्या होगा कि इंग्लिश, वो यही सोचेंगे ना कि इंग्लिश से ज़्यादा कोई भी लैंग्वेजेस पसंद नहीं है। एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मतलब हम जो प्रिजर्डाइज करते हैं, आप समझे ना, उसका मतलब कि हमने हमारे मन से जो सोच बना ली कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसको हम प्रिजर्डाइज बोलते हैं। जो मतलब कि हम किसी के बारे में किसी को भी देख के कुछ भी सोच बना लेते हैं जिससे हम अनफेमिलियर होते हैं। वी कैन बी प्रिजर्डाइज अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल, रिलीजन्स, बिलीव, द कलर ऑफ द, अब किस किस तरीके से हम सोच सकते हैं, पीपल के रिलीजन्स के बिलीव से भी बना लेते हैं, द कलर ऑफ स्किन मतलब इंसान के कलर से भी बना लेते हैं, तो काला है तो गोरा है ना, द रीजन दे कम फ्रॉम, द एसेंट दे स्पीक इन द क्लोथ्स, मतलब उसके क्लोथ्स के, जिसने किसी ने छोटे कपड़े पहने हैं किसी शहर की लड़की ने, तो आपके सोचो कि ये तो बेकार है, इसमें अक्ल नहीं होगी इसलिए इसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं, तो हम इससे फ्रेंडशिप क्यों करें। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम हमारे मन से सोच लेते हैं, क्रिएटिंग स्टेरोटाइप्स। पता है ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, स्टेरोटाइप्स भी बोला जाता है, जो अपने मन से मतलब कोई सोच फिक्स कर लेते हैं ना उनको। अब जैसे क्या होता है कि जैसे हम फैमिली में रहते हैं तो जेंडर डिफरेंस भी किया जाता है कि अगर कोई बॉय और गर्ल है तो मतलब वी आर बॉर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट इज़ अ गिवन, व्हाट डू वी थिंक अबाउट, हम क्या क्या कर उसके बारे में बना लेते हैं कि जैसे अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो द टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस यू आर थिंक टू अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन, दे आर वेल बिहेव, दे आर सॉफ्ट स्पोकन। अब जैसे इतने सारे ये आपके पास में पॉइंट्स हैं तो इसमें गर्ल्स कि कौन कौन से गर्ल्स कैसी होती हैं और बॉयज़ कैसे होते हैं आपको बना, जैसे इमोशनल है तो इमोशनल अधिकतर अपन ने क्या अपने मन से सोच रखा है कि इमोशनल तो गर्ल्स होती है, दे डोंट क्राई मतलब क्राई नहीं बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, तो वो तो बॉयज़ ही ऐसे होते हैं, गर्ल्स तो छोटी छोटी बात पर रो देती है। जैसे कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो वो तो बॉयज़ ही हो सकते हैं, गर्ल्स नहीं हो सकते, तो ऐसे आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं और फिर अपने टीचर से चेक करवा लेना, मतलब मुझसे चेक करवाना आ जाना, ठीक है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, मतलब अपन ने क्या सोचा है कि मतलब लड़का है तो लड़के को हम शुरू से क्या बोलते हैं कि तुझे तो रोना नहीं चाहिए क्योंकि तू तो लड़का है, और जो लड़के रोते हैं मतलब वो तो अच्छे नहीं होते हैं और लड़कों को तो रोना नहीं चाहिए, रोती तो लड़कियां हैं, ऐसी ऐसी बातें मतलब हम हमारे मन से बना लेते हैं। और फैमिली वाले क्या बोलते हैं अधिकतर कि तू तो लड़का है तू मत रो, तू तो लड़का है तू तो बहुत ब्रेव है, तुझे क्राई नहीं मतलब तुझे रोना नहीं चाहिए, दे डोंट क्राई। As children grow up, they start believing that boys, फिर boys क्या believe करते हैं, क्या believe कर लेते हैं वो जब बड़े होते हैं तो कि नहीं हम तो लड़के हैं और हमको तो नहीं रोना है ना। ऐसा होता है ना अपने घर में कि जैसे लड़कियां भी है लड़के भी, पर लड़के जरा सी बात पर रोते तो क्या बोलते हैं अपन के तू लड़की है क्या जो रो रहा है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ऐसे सारी सब हम प्रिजर्डाइज करते हैं हमारे मन से, तो ये सब साइन जो है ना वीकनेस के होते हैं, जैसे कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या कि किसी लड़के को किसी बात पर रोना आ गया तो हम उसको ऐसे बोलेंगे, नहीं नहीं तो सही नहीं। या फिर कोई लड़की वो जो स्ट्रांग है वो नहीं रो रही तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि लड़कियों की इतनी इतरारी, ये सब है ना हम हमारे मन से प्रिजर्डाइज कर लेते हैं। यही देखो इसमें भी यहाँ पर बता रखा है कि दिस इज़ द वे बॉयज़ आर, द दिस हाउ गर्ल्स आर, दिस आर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ द मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इन टू एन इमेज द सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। जिस तरीके से आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जैसे कोई फिट नहीं है, यू लुक सो डिफरेंट है, मतलब तो हमने हमारे मन से बना लिया कि ये तो ऐसा है, पर ठीक है उसका माइंड तो सही है ना, उसका माइंड तो ओके है ना, देखो वो कितनी सुंदर ड्राइंग बना रहा है, भले उसके लेग्स नहीं है, कुछ लेग्स में प्रॉब्लम हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ भी सोचने लग जाएं, ठीक है।
यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दिस अप्लाई टू गर्ल्स. तो मतलब कोई सॉफ्ट और कोई जैसे जेंटल बिहेव किए तो अपन इसको किस पे अप्लाई करेंगे, अधिकतर गर्ल्स पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि तो लोगों ने कब से सोच बना रखी है कि जो लड़कियों को सॉफ्ट दिल का होना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए. हम शुरू से हम लोगों को हमारे साथ ऐसा होता है. When we fix people into one image, we create a stereotype. मैंने आपको बोला था ना कि जो इमेज हम हमारे दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि तो ऐसा ही है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, स्टेरोटाइप बोलते हैं. When people say in those who belong to a particular country, religion, sex, race and economical background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. मतलब ये जैसे अपने मन से जैसे इन्हें बनाया ना कि क्रिमिनल है, डम है, तो ये सब हम हमारे मन से जो सोच लेते हैं ना बिना किसी को जाने, उसको हम क्या बोलते हैं कि इसने तो अपने मन से बना लिया, तो ऐसे लोगों को हम स्टेरोटाइप्स बोलते हैं. ठीक है, यही इसमें बताया गया. स्टेरोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल एंड एट हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन टू अ ओनली वन पैटर्न और टाइप. स्टेरोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस डूइंग सर्टेन थिंग्स दे वी माइट अदरवाइज बी गुड एट. इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब असमानताएँ और भेदभाव क्या होता है वो पढ़ते हैं अपन. तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स वैन पीपल एक्ट ऑन हर प्रिजर्डाइज और स्टेरोटाइप्स. तो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कब होता है, जब हम इस चीज़ पर एक्ट करते हैं कि प्रिजर्डाइज मानने लग जाते हैं, स्टेरोटाइप्स जो लोग होते हैं प्रिजर्डाइज और स्टेरोटाइप्स. मतलब प्रिजर्डाइप्स मतलब मैंने आपको बताया ही सही है कि जैसे हमको किसी के भी बारे में कुछ भी सोच लेना, हमारे मन से बना लेना, और स्टेरोटाइप मतलब जो ये इमेज को फिक्स कर लेते हैं अपने दिमाग के, तो ऐसा ही होगा. तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, हम स्टेरोटाइप्स बोलते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है, भेदभाव होने लग जाता है. फिर इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, मतलब आप क्या सोचते हैं कि दूसरे पीपल तो कुछ है ही नहीं और हम ही सब कुछ हैं. इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट अ सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम लिविंग अ सर्टेन नेबरहुड्स. हमको हमारे आसपास में भी किसी भी इंसान से या कहीं हम जब जॉब जाते हैं वहाँ पर भी ऐसे किसी से भी ऐसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, असमानताएँ नहीं फैलानी चाहिए. यही पढ़ते हैं. यू आर डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन. डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे जैसे इसके रीजन्स है. यू प्रोबेबली रिकॉल, मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था समीर एक और समीर दो के बारे में, वो दोनों अलग अलग रिलीजन्स के भी थे, फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू अदर रिलीजन्स है ना, क्योंकि वो अलग अलग रिलीजन्स के थे. दिस इज एक्सेप्ट ऑन डाइवर्सिटी, वो भिन्न प्रकार के लोग थे. हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो भी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पर क्या है डाइवर्सिटी एक सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी था, क्या यह भेदभाव भी था. ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मेक स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेजेस, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन्स, लिव अ स्पेसिफिक रीजन्स एक्सेट्रा मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस. मतलब बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे डिस्क्रिमिनेटेड हम भेदभाव करने लग जाएँ. अनादर डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू समीर्स एंड देयर इकोनॉमिक, क्योंकि उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग थे, एक पुअर था एक थोड़ा अच्छा था, तो ये भी एक इनइक्वालिटी एक असमानता का कारण बन रहा था. ठीक है, सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड. जो पुअर है मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है. ट्राइबल सम रिलीजन्स ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ दिस रीजन्स. मतलब यही सब कुछ इसमें बताया गया है कि हमें इस तरीके से असमानताएँ नहीं फैलानी चाहिए. ठीक है, हमें इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड नहीं करना चाहिए, कोई हमसे गरीब भी है तो उससे भी हमें डिस्क्रिमिनेटेड नहीं करना चाहिए. On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming. हर पीपल अलग अलग काम में engaged होता है ना, जिस तरीके से teaching है, fishing है, farming है, carpentry है, pottery, जो टू अर्न अवर लाइवहुड मतलब अपने ज़िंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए. हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसा काम कर रहा है, वो पॉटरी बना रहा है या कारपेंट्री कर रहा है तो मतलब वो तो छोटा इंसान है तो हम उससे क्यों बात करें, और कोई मतलब बहुत बड़ा अच्छा एजुकेशन वाला है तो हम उसी से ही बात करेंगे. मतलब ये सब असमानता का कारण हमें नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं बनना चाहिए. एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एंड टास्क ऑफ लेस वैल्यू. तो और हमें ऐसी भी सोच नहीं बनाना चाहिए कि कोई इंसान अगर किसी चीज़ मतलब कोई वॉश कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, किसी स्कूल में जैसे झाड़ू पोछा कर रहा है या फिर किसी जॉब पे कहीं पर भी वो क्लीनिंग का काम करता है, कुछ भी करता है, तो हमसे वो छोटा है और हमें ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए.
दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर इन ईच कास्ट ऑफ अबव और बिलो द अदर. दोस हू प्लेस देमसेल्व्स एट द टॉप दिस लेडर इज कॉल्ड अपर कास्ट. मतलब ऐसा अपर कास्ट और लोअर कास्ट जैसा भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. जैसे पहले आपने अनटचेबिलिटी का भी पढ़ा है, अक्के पहले छुआछूत चलता था, अब तो ये पूरी तरीके से बैन हो चुका है ना. ये देखिए पिक्चर में बता रहे हैं कि बींग मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम बिकॉज वन बैकग्राउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अब क्या हो रहा है इनके साथ में कि ये मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया गया हुआ है कि जैसे सब बच्चे बैठे हैं और ये लोअर कास्ट के, तो इनको साइड में बैठा दिया और वहाँ पर पढ़ाने लग गए, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द इंडिया शेयर इज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. इनके साथ में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. वो टू प्लेस इन 1901 व्हेन ही वो जस्ट 9, जब ये 9 साल के थे, तो इनके भी ब्रदर्स और कजिन्स और जो मतलब फादर्स थे जो कोरेगांव में रहते थे महाराष्ट्र में, तो बट नो टर्न्ड एज वी शोड दैट टू हिम. ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड. वी टोल्ड हिम दैट बाउंड ऑफ कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर एंड सर्वेंट टू कम. मैंने आपको इसकी कहानी शायद समझाई भी थी और हो सकता है शायद 7th क्लास में आए. तो इसमें क्या होता है कि ये बैठे रहते हैं, तो इनके साथ में क्या होता है कि मतलब है ना, इनके साथ में ग्राउंड साफ़ करवाते हैं, इनसे स्कूल साफ़ कराते हैं, फिर इनके फादर आ जाते हैं कि ये क्या करवा रहे हैं आप मेरे बच्चे के साथ में. मतलब इनके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था कि आप छोटी जात के हो तो मतलब आपको ये सब काम करना पड़ेगा और आप ये सारा काम करो. उनको अनटचेबिलिटी जैसे देखते थे, इनसे दूसरे बच्चों से इनको अलग बैठा देते. इनकी स्टोरी है, आप आगे जब बड़ी क्लास में आएंगे तो इनकी भी स्टोरी पढ़ेंगे. ये इनकी स्टोरी है जो मैंने आपको पूरी बताई ना, यही स्टोरी है कि ये कोरेगांव में रहते थे और इनने बहुत मतलब मुश्किलें भी फेस करी हैं, है ना. आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क द प्रपोस्ट. फिर यहाँ पर मतलब स्टेशन, तो ये स्टेशन मास्टर होते हैं, वो रिटर्न होते हैं अपने घर के लिए, तो बुलक कार्ट का वेट करते हैं कोरेगांव में. तो फिर वो ये सोचते हैं कि मिले तो ठीक है, मतलब नहीं तो हम स्ट्रेट अवे मतलब पैदल भी घर चले जाएंगे. बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स एट गोन टू राउंड अमॉन्ग द कार्ट. मतलब ये उनकी पूरी स्टोरी है, जैसे मैं आपको इसे बीच में से नहीं समझा सकती. ये उनकी पूरी स्टोरी है कि मतलब पता है उनके साथ में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बहुत भेदभाव हुआ था कि मतलब आप छोटी जात के हो तो दूर बैठो और ये ग्राउंड साफ करो और सारा स्कूल का काम करवाते थे उनसे मास्टर भी वहाँ के स्कूल के. बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था क्योंकि ये लोअर कास्ट पीपल थे पहले, तो मतलब उनके साथ में इतना बहुत भेदभाव हुआ. तो उनकी स्टोरीज भी जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको आएगी. ठीक है, तो और फिर अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि स्ट्राइविंग और इक्वालिटी क्या होता है. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. जब स्ट्रगल बहुत किया गया था मतलब है ना अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिश रूल के. ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली. मतलब जब सब लोग, सारे समाज के लोग, सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ खड़े हुए थे कि हम सब इक्वल हैं और हमको आज़ादी चाहिए. दलित वुमेंस, ट्राइबल्स, पीसेंट्स, पीसेंट्स मतलब होता है किसान, ये सब लोग इन इक्वालिटीज़ के खिलाफ खड़े हुए थे कि हमको बस फ्रीडम चाहिए. और मतलब उस वक्त मतलब इन फ्रीडम के लिए सब साथ में थे, भले भिन्न थे, भले अलग अलग रिलीजन्स के थे, पर साथ तो थे ना. इसलिए हमें हमेशा हमेशा साथ होना चाहिए. ठीक है, व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947 आवर लीडर्स टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड. उस टाइम पर बहुत सारी, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद बहुत सारी इनइक्वालिटीज, असमानताएं बंद भी हुई है. दोस हू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, जो हमारे संविधान में लिखी, जो हम पढ़ते हैं. ठीक है, ये देखिए पिक्चर में सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन. इन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, आप इनकी पिक्चरें भी देख सकते हैं. ठीक है, दो दिस आइडियल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे. आज भी कहीं असमानताएं हमारे देश में हैं कि ये ऐसा है तो मतलब हमको मतलब बहुत सारी असमानताएं, बहुत सारा भेदभाव आज भी होता है. इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर, नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. पीपल्स स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक रियलिटी ऑफ इंडियंस.
ये देखिए, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर इंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए ये जो फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें लिखा हुआ है इक्वालिटी मतलब सब इक्वालिटी समानता है से, मतलब सबको है, सबको राइट टू इक्वालिटी का अपॉर्चुनिटी है, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास में, सब ये सारी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि सब चीज़ों को, सब सब इंसानों को समान माना जाएगा, किसी में भी इनइक्वालिटी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही आपके चैप्टर्स में आप आया था, तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, थैंक यू क्लास। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर, है ना। तो यही है इसमें डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता है और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है, थैंक यू।